सुनने के लिए आए थे। थोड़ी देर पहले तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं केरसई गांव में और यहाँ आने जाने वाले लोग हैं, कुछ किराना दुकान में देखिए यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं। तो हम उनसे भी ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 17 नवंबर को जो चुनाव होना है उस चुनाव में इनका मतलब इनका मिजाज क्या है और ये क्या चाहते हैं, किस तरह के प्रत्याशी से किस तरह के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, इनके पास मुद्दे क्या हैं। तो कई तरह के सवाल हैं हमारे पास, तो जो यहाँ पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं, हमारे पीछे किराना का दुकान है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सामान खरीदने के लिए आए हैं, गाँव के लोग हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे और जानने की समझने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्या चाहते हैं, उनका फैसला क्या होगा, उनको किस तरह के प्रत्याशी चाहिए और किन मुद्दों पर वो मतदान करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे उन लोगों से बात करते हैं। झार के हैं। अच्छा, नेता लोग गांव में पहुंचेगी नहीं अभी तक आपके? हाँ हाँ बताइए बताइए, शर्माइए नहीं, बताइए। पहुंचे हैं, आए पहुंचे हैं। कौन कौन लोग पहुंचे अभी तक, किसी को पहचानते हैं कि नहीं? आए देखिए 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 बताइए। नहीं तो पहचाने हैं अभी, किसी को नहीं पहचानते हैं। तो नेता लोग कभी जाते नहीं है कि आपके गाँव में? जाते हैं जी, हम लोग घर में रहते हैं। अच्छा, तो ये अच्छा ही बताइए, पिछले बार वोट दिए थे कि नहीं? दिए थे। अभी वोट देना है कि नहीं? देना है। तो किसको देना है? फुल छाप को। फुल छाप को कहे देंगे का? का है? का है देंगे है? क्यों? अच्छा ये आप बताइए, ये आप किसको वोट दे रहे हैं? फुल छाप है? क्यों क्यों फुल छाप कह दे रहे हैं? नहीं, कारण तो कुछ होगा ना, किस कारण से दे रहे हैं? फूल छाप पसंद है। आप लोग भाजपा का वोट क्यों देते हैं, किस कारण से देते हैं? अच्छा काम करता है या? हाँ बताइए। अच्छा जन करेल। अच्छा जन करेल। का अच्छा करे जैसे? अच्छा अच्छा खाए पिए कर देते हैं, जमा जत करते हैं। अच्छा, नहीं तो ये विधायक कभी आए इनकी नहीं तो गांव है, विधायक जी कभी चिंता की नहीं विधायक के? मकान है, है? एक एक तो जंगल झाड़ में मकान है तो कौन पहचान करेगा? तो आप पहचानते हैं कि नहीं? पहचानते हैं जे, हम लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है तो कहाँ पहचानेंगे। और तो पहचानने में पढ़ा लिखा क्या करना है? विधायक को पहचानते हैं कि नहीं ये बताइए पहले, विधायक जी को। कौन है विधायक मालूम है? विधायक? हाँ, क्या नाम है विधायक का? विधायक का मुकेश बघेल की कौन है? विधायक पिछले बार किसको वोट दिए थे बताइए तो, कौन से नेता को वोट दिए थे आप? पिछले साल वही विधायक की कौन को तो दिए थे। किसको वोट दिए थे पिछले बार, कौन सी पार्टी में वोट देते हैं आप? हम लोग हिंदू पार्टी हैं रहते हैं। नहीं तो ठीक है ना, तो नहीं तो वोट किसको दिए थे, विधायक कौन बना था पिछले बार? विधायक का वो पेपर का तो हम लोग नहीं देखे, एक एक आदमी जा के जो ऐसा पर्ची उसमें डाल दिए। नहीं नहीं, तो विधायक का नाम आपको नहीं पता है? नहीं है, पता नहीं है। अच्छा, और सांसद कौन है पता है? नहीं है उसको भी। कौन से गांव में घर है आपका? हम लोग का घर कचार में है, इधर जंगल तरह। अच्छा, जंगल में रहते हैं? हाँ जंगल है। नहीं तो आपके गांव में तो नेता लोग जाते होंगे ना? जाते हैं तो बस्ती में जाते हैं। हैं? बस्ती में जाते हो? आपके घर तक नहीं पहुँच पाते? हम लोग का घर इधर हो जाता है। तो जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ पर कितने घर का बस्ती है, कितने लोग रहते हैं वहाँ पर? एक एक घर, यहाँ एक मकान है तो उतना धुर धुर में है। अच्छा, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजेंद्र है। राजेंद्र है? हाँ जी। तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ सड़क बिजली कुछ है कि नहीं आते हैं? सड़क धुर में है, है? धुर में है सड़क। सड़क नहीं है अभी तक? नहीं है, खाली वो भट्ठा एक है ना वहाँ तक फिर सड़क है, उधर नहीं है। अच्छा, और बिजली वगैरह है कि नहीं आपके यहाँ? बिजली है। बिजली है? हाँ जी। बिजली पहुंचा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, हाथी है कि नहीं आपके यहाँ, हाथी घुसता है कि नहीं? हाथी तो घुस जाता है। अच्छा, अगला साल तो मेरा मकान में 10-15 मुर्गा घुस गया मकान के सामने रात। अच्छा। का फिर? और दो घर का भी धांस दिए थे। अच्छा, ले वो घर वाला को कुछ बहुत दिया बनाने के लिए।